एशियन न्यूज इंडिया और मैप के साथ शशि जैन। पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप चल रहा है। इसके साथ दिल्ली भी कोहरे की चादर ओढ़े हुए है। लखनऊ में 6 डिग्री तापमान के बाद लोग बेहद ठिठुर रहे हैं। अगले 3 दिनों तक राहत मिलने का कोई आसार नहीं है। भारत मौसम विभाग विज्ञान के अनुसार रविवार को बताया गया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी शीत लहर की चपेट में रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से सर्दी में इजाफा हुआ है। कुछ इलाकों में तो सूर्य देव के दर्शन तक नहीं हुए। ऐसे में तेज हवा से ठिठुरन भरी ठंड बढ़ गई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों में ठंड का प्रकोप जारी रहेगा। ठंड के इस प्रकोप के कारण लोग घरों में दुबके रहने को मजबूर हैं। दफ्तर काम सब एक तरफ हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। इसकी वजह से शुष्क हवाओं की चपेट में रहेंगे, जिससे शीतलहर और लहर का प्रतिकूल असर बढ़ जाएगा। बीकानेर, उत्तर भारतीय इलाकों में सुबह की शुरुआत हाड़ कपा देने वाली ठंड से हुई। ये सिलसिला पिछले कुछ दिनों से जारी है। IMD के अनुसार जब कोहरे को देखने की क्षमता 0 से 50 मीटर के बीच होती है, तो इसे बेहद घने कोहरे की श्रेणी में रखा जाता है। ये श्रेणी में 51 से 200 मीटर के बीच का जब कोहरा होता है, इसे घना, 201 से 500 के बीच का जो कोहरा होता है उसे मध्यम, और 501 से 1000 मीटर के बीच के कोहरे को हल्का कोहरा बताया जाता है। बता दें कुछ दिनों से प्रदेश में शीतलहर के कारण बादल छाए हुए हैं। ऐसे में मामूली सर्दी जुकाम होना लाजमी है। मौसम विभाग का प्रबल होना और कोरोना की चिंता और बढ़ा देगा। देश में कोरोना की तीसरी लहर का समय चल रहा है। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि आप लोग बचे रहिए और प्रयास कीजिए कि कम से कम मौसमी बीमारी की चपेट में आए। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते